दोस्तों, मैं डॉक्टर दानिश एमएससी एग्रीकल्चर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एग्री इफेक्ट में नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे गेहूं की। इतनी बेहतरीन तीन उन्नतें जो काफ़ी चर्चा में है, जिनकी काफ़ी पैदावार है और जो अच्छी क्वालिटी की है, कितना भी मौसम गर्म या ठंडा या आंधी बारिश का हो, गिरती नहीं है और अच्छी पैदावार देकर जाती हैं। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, पहला नंबर आता है HD 3226। इसका सरकार द्वारा नाम रखा गया है पूसा SSP। काफ़ी चर्चा में है, बहुत ही बेहतरीन हाइब्रिड में है, हाइब्रिड प्रजाति है। किसान साथियों, इसकी हाइट बहुत कम होती है और जिससे ये किसी भी आंधी बारिश में गिरती नहीं है और फटाव बहुत अच्छा होता है, तेज़ी से ग्रोथ करती है और बालियां लंबी आ जाती हैं। बुवाई के समय की अगर इसकी बात की जाए तो किसान साथियों, 5 नवंबर से लेकर आप 25 नवंबर तक इसे बहुत अच्छा टाइम बोने का है। बात की जाए पकने की अवधि, तो किसान भाइयों 130 दिन से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पानी की बात की जाए तो किसान भाइयों 3 से 4 पानी की इसे आवश्यकता पड़ती है, जिससे अच्छी ग्रोथ करके जाती है। बात की जाए किसान साथियों इसकी पैदावार की, तो किसान साथियों 1 हेक्टर में 80 क्विंटल तक इसकी पैदावार अच्छे से हो जाती है। और बात की जाए रोग रहित जाति प्रजाति है, कौन कौन सी बीमारियों से रुक कर रहती है, जैसे कन्नाल बंट है, एलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, इन सभी के प्रति रोग रहित है। बहुत ही अच्छी प्रजाति और बेहतरीन प्रजाति है। किसान साथियों, जब भी गेहूँ लेना चाहिए आपको, नया लेना चाहिए, वो शोधित होता है, घर का बीज शोधित नहीं होता, पूरी तरीके से जर्मिनेशन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमें पैदावार कम मिलती है। देखो किसान साथियों, हम गेहूँ का जर्मिनेशन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी पैदावार बढ़ेगी और जितना रोग रहित होगा उतनी ज़्यादा पैदावार और बेहतरीन पैदावार मिलेगी। दूसरी किसान भाइयों प्रजाति है HI 8759। इसका सरकार द्वारा नाम जो रखा गया है वो पूजा तेजस रखा गया। किसान भाइयों, इसके पकने की जो अवधि है 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये भी बहुत कम हाइट की छोटी वैरायटी है, फुटाव बहुत ही अच्छा करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले करती है। पानी की बात की जाए तो 3 से 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रजाति वहाँ के लिए अच्छी है जहाँ पर आंधी बारिश ज़्यादा ही आती है, वहाँ पर ये गिर नहीं सकती। किसान भाइयों का पैदावार की बात की जाए तो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। रोग प्रतिरोधी होती है, एलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, कन्नाल रस्ट, इन बीमारियों को बहुत अच्छे से रोक लेती है। तीसरी प्रजाति है कड़ल वंदना DVW 187। किसान साथियों, बहुत ही काफ़ी चर्चा में प्रजाति है, अगर माना जाए तो इंडिया में ये बहुत ही बेहतरीन पैदावार करने वाली प्रजाति मानी जाती है और बहुत ही अच्छी ये वैरायटी मानी जाती है, जिससे अच्छी हमें पैदावार देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, इसके पकने की अगर अवधि की बात करें तो 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छी पकने की टाइम है 120 दिन। और बात की जाए पैदावार की तो 70 से 80 क्विंटल तक आपको पैदावार दे के जाएगी। और पानी की बात की जाए तो किसान साथियों 2 से 3 पानियों में ये आपको तैयार होकर मिल जाएगी। किसान साथियों, इसके हिसाब से अगर माना जाए तो ये जाति वहाँ के इलाकों के लिए ज़्यादा अच्छी है जहाँ पानी की थोड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर इस वैरायटी को आप चुन सकते हो। रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, कोई भी रोग हो से लड़ सकती है और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। किसान साथियों, फुटाव भी अच्छा करती है और ग्रोथ और कल्ले तो ज़्यादा से ज़्यादा करती है। और बुवाई का टाइम की बात की जाए तो किसान भाइयों 5 नवंबर से लेकर आप 25 नवंबर तक बोइए, बहुत अच्छा इसके लिए टाइम है, बहुत अच्छी आपको पैदावार देकर जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।